अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दुबई जाने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं का ये कहना था कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जब सहतियाब हो जाएंगे तो वो जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे और उनकी जो रूटीन की सरगर्मियाँ हैं वो सर अंजाम देंगे। इसमें जो है जॉइंट पार्लियामेंट सेशन भी है जिसका जिक्र प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की जानिब से हुआ था मुहर्रम 9 और 10 मुहर्रम से पहले, कि 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टियों के बाद वो जो है जॉइंट पार्लियामेंट सेशंस को एड्रेस करेंगे। नाज़रीन, हमने देखा है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के डिफेंस में काफ़ी सारे लोगों ने बात की। आज इस मैदान में जो है फॉर्मर लॉ मिनिस्टर बाबर अवान साहब भी कूद पड़े और उनका साथ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलाई पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात साहब ने, इन दोनों ने आज क्या कहा मीडिया के सामने, आपको सुनाते हैं। आंखों में आंखें डालो, हमने आंखों में आंखें डाली, सदर ने आंखों में आंखें डाली, जमहूरियत ने आंखों में आंखें डाली, इलेक्टेड लीडरशिप ने आंखों में आंखें डाली। अब वो कभी अफवाहों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कभी नाकाम नजूमियों के एजेंडे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। अब वो जो गैरत जिसका प्रचार आप किया करते थे उसको सुलाने के लिए लोरियां ढूंढ रहे हैं। सम पीपल आर डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द नेशन फ्रॉम द यूनिटी, फ्रॉम स्टैंडिंग टुगेदर, बट दिस नेशन कैन नॉट बी मिसलेड। दिस नेशन विल नॉट फॉल द विक्टिम ऑफ एनी प्रोपेगंडा मशीनरी और एनी साइबर। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज our belief is very strong, because our faith is very strong, because the foundation of Pakistan is very strong. ये जाने बड़ी पार्टी है, अगर कोई अच्छा उनको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेशक जाए। मैं तो मैंने मुझे किसी पर कोई खराब नहीं, मेरी बात तो यह कोई जा ही नहीं रहा। आप नाम बता दें, दो तीन आदमी, तीन आप दो से तीसरे आदमी का नाम बता दें जो हम ख्यालों में गया, तो मैं आपको मैं मान जाऊँगा। यार वो तो है ही फ्राड, एक फ्राड के ऊपर आप सारे दारोमदार कर रहे हैं। एक आदमी है बाहर बैठा हुआ है, वो बाहर बैठ कर तमाशा लगा रहा है, बस हमारे लोगों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी बाबर अवान साहब की और चौधरी शुजात साहब की। नाज़रीन, कल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग टीवी पर आए उन्होंने भी बिटवीन द लाइंस ये कहने की कोशिश की कि शायद जो सदर जरदारी साहब का दौरा है वो मेडिकल ट्रिप नहीं है और वो सियासी दौरा है। लेकिन आज जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत के लिए जो है दुआ की, उन्होंने कहा अल्लाह ताला जो है जरदारी साहब को सेहत दे, और इसके बाद जवाब में जो है प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उनका शुक्रिया अदा भी किया। तो ऐसा लगता है कि अब उनको ये आइडिया हो गया है कि वाकई ये जो है एक मेडिकल ट्रिप है और वाकई सदर जरदारी साहब की जो है तबीयत कल ख़राब हो गई थी, इसमें कोई पॉलिटिक्स या फिर सियासी दौरे वाली बात नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इससे अहम चीज़ ये है कि 19 तारीख को मेमोगेट स्कैंडल की दूसरी हेयरिंग होगी। आपको याद होगा 1 दिसंबर को जब इसकी पहली हेयरिंग हुई थी तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने 5 अहम शख्सियात को कहा था कि वो अपना तहरीरी जवाब जो है 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को दें, जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब भी हैं, ISI चीफ शुजा पाशा, आर्मी चीफ अशफाक कियानी साहब और हुसैन अकानी साहब फॉर्मर US एम्बेसडर। तो देखना यह है कि क्या सदर जरदारी साहब 15 दिन ख़त्म होने से पहले वापस आते हैं और अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट को देते हैं या नहीं देते, ये बड़ा अहम होगा देखना। नाज़रीन, इन तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे, और अगर ये रूमर मॉन्गरिंग हो रही है जैसे कि बाबर अवान साहब कह रहे थे कि तमाम अफवाहें और कुछ नहीं, तो इस अफवाहों से क्या हासिल करने की कोशिश हो रही है और कौन ये सब कुछ हासिल करना चाह रहा है, इस पर हम बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, इसके बाद उनका तारुफ कराएंगे और सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।